मैजिकल फ्लाइंग रोबोट वर्सेस फायर ट्रक। एक बहुत बड़ा शहर था, उस शहर में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। मेले में हर तरह के झूले और बहुत सारी दुकानें भी लगी हुई थी। उसी शहर में एक ममता नाम की विधवा औरत रहती थी। ममता का एक 7 साल का बेटा था रोहन। एक दिन रोहन माँ से कहता है, माँ मेरे सारे दोस्त मेला देखकर आ गए हैं। माँ मुझे भी मेला देखना है, मुझे ले चलो मेले में। नहीं बेटा, वहां जाने पर तू खिलौनों के लिए जिद करेगा और मैं तुम्हारी जिद पूरी नहीं कर पाऊंगी, तब मुझे बहुत बुरा लगेगा, इसीलिए हम उस मेले में नहीं जाएंगे। माँ प्लीज माँ, देखो माँ मैं बस सब देखकर ही मन बहला लूंगा, किसी बात के लिए जिद नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस माँ। दरअसल ममता घर घर जाकर काम करती थी। वो रोहन के पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा कर रही थी, इसलिए वो कोई भी ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहती थी। ममता उस दिन काम से जल्दी घर लौटती है और रोहन को लेकर मेले में चली जाती है। मेला देखकर रोहन बहुत ही खुश हो जाता है। वहां बड़े बड़े झूले और खाने की चीजें और कई सारे खिलौने भी थे। उसका बहुत मन करता है पर वो माँ से कुछ नहीं कहता। रोहन मेला घूम रहा था कि तभी उसकी नजर एक खिलौने फायर ट्रक पर पड़ती है। वो कहता है, अरे वाह ये कितना अच्छा फायर ट्रक है, पर ये बहुत महंगा होगा। नहीं मैंने माँ से वादा किया था कि मैं जिद नहीं करूंगा। रोहन ऐसा सोचकर बस उस फायर ट्रक को देखते रहता है। तभी दुकानदार कहता है, अरे बेटा ये फायर ट्रक चाहिए क्या तुम्हें? देखो इस फायर ट्रक में कुछ खराबी है, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा, इसलिए इसे कोई खरीद नहीं रहा। मैं तुम्हें इसे कम दामों में दे सकता हूँ, चाहिए तो बोलो। नहीं अंकल मैं तो बस इसे देख रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये। ये सारी बातें ममता सुन लेती है। तब वो दुकानदार से रोहन के लिए वो फायर ट्रक खरीद लेती है और उसे रोहन को देते हुए कहती है, मेरा प्यारा बेटा तुमने मेरी बात मानी, पूरे मेले में बिल्कुल भी जिद नहीं की, फिर इस बात के लिए तुम्हें कुछ इनाम तो देना चाहिए ना। थैंक यू माँ, आप बहुत अच्छी हो। रोहन और ममता घर वापस आते हैं। रोहन स्कूल से आकर पढ़ाई खत्म करके उस फायर ट्रक से खेलता रहता है। उसके लिए वो फायर ट्रक बहुत ही बड़ी चीज थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तब एक दिन एक बड़ा सा बाज आसमान में उड़ता रहता है और तभी उसे कुछ दिखाई देता है और वो सोचता है, अरे ये तो वही मैजिकल फ्लाइंग रोबोट है जो किसी प्लैनेट से आया हुआ था। लगता है इसे जरूर एलियन ने भेजा होगा धरती को तबाह करने के लिए। मुझे जल्दी से ये बात इंसानों को बतानी होगी। ऐसा सोचकर बाज नीचे उतरता है। वो रास्ते के एक खंबे पर बैठकर बोलने लगता है पर उसकी भाषा कोई समझ नहीं पाता। तब वो वहां से उड़कर एक दुकान में आता है पर वहां से उसे डर के मारे भगा दिया जाता है। बाज के पास समय नहीं था क्योंकि वो मैजिकल फ्लाइंग रोबोट कभी भी धरती पर उतरने वाला था। तब बाज एक पेड़ पर बैठकर कहता है, अरे यहाँ तो कोई भी मेरी बोली नहीं समझ रहा है, ना ही मैं उस फ्लाइंग रोबोट को अब रोक सकता हूँ और ना ही किसी को बता पा रहा हूँ, अब करूँ तो क्या करूँ। उसी पेड़ के नीचे रोहन अपने फायर ट्रक के साथ खेल रहा था। वो ये बात सुन लेता है। तब वो कहता है, अरे कौन है यहाँ पर, कौन बोल रहा है? ये सुनकर बाज बहुत खुश हो जाता है। वो रोहन के पास आकर कहता है, अच्छा हुआ जो तुम मेरी बात समझ गए। देखो बच्चे एक फ्लाइंग रोबोट धरती पर आ रहा है, तुम ये बात अपने बड़ों को जाकर बताओ और धरती को बचाने में मेरी मदद करो। अरे जाओ जाओ ऐसा कोई फ्लाइंग रोबोट होता ही नहीं है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते और मेरे साथ ऐसे बातें करके मुझे डराने की कोशिश भी मत करो, जाओ भाग जाओ यहाँ से। रोहन बाज की बात समझ तो जाता है पर उसे उस पर विश्वास नहीं होता। बाज वहां से उड़कर जंगल वापस चला जाता है। इधर मैजिकल फ्लाइंग रोबोट की बड़े जोर के झटके के साथ धरती में एंट्री होती है। सारे लोग उस रोबोट को देखते ही रहते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये रोबोट सब कुछ तबाह करने के लिए आया था।
रोबोट जमीन पर उतरते ही मुंह से तूफान लाता है। तब वहां खड़े लोग तूफान में उड़ने लगते हैं। रोबोट जोर जोर से हंसता है। लोग तो इधर उधर भाग भी नहीं पा रहे थे, तभी तूफान में उड़ रहा एक आदमी चिल्लाता है, अरे ये कैसा तूफान है, अरे कोई तो रोको इस रोबोट को, पुलिस को बुलाओ, आर्मी को बुलाओ। तभी वो रोबोट तूफान को रोक देता है। तब लोग झटके से नीचे गिरने लगते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तब रोबोट फिर से मुंह से आग उगल कर बिल्डिंग्स को जलाने लगता है। इस तरह चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। उस रोबोट को रोक पाना बड़ा मुश्किल दिख रहा था। तब ये न्यूज रोहन टीवी पर देखता है। क्या ये सच है? काश मैंने उस बाज की बात मान ली होती, अब क्या करूं? रोहन अपनी माँ के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। ममता रोहन की बात को अनदेखा ना करते हुए उसे पुलिस के पास ले जाती है। तब पुलिस उसकी बात को हंसी में उड़ा लेती है। अरे वाह रे बच्चे, अब पंछी तुम्हारे साथ बात भी करने लगे। वाह वाह, पहले तो वो मैजिकल फ्लाइंग रोबोट, अब तुम्हारी ये दूसरी स्टोरी। मैं क्या सब कुछ छोड़कर उस बाज को ढूंढता बैठूंगा? मेरे पास क्या कोई काम नहीं है? इस तरह पुलिस ममता और रोहन को वहां से भगा देती है। तब ममता कहती है, बेटा अब हमें ही उस बाज को ढूंढने जंगल जाना होगा, ऐसे कोई हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, चलो हम दोनों जंगल जाते हैं। तब ममता रोहन को लेकर बाज को ढूंढने जंगल जाती है। थोड़ी ही देर में उन्हें वो बाज दिखाई देता है। तब रोहन कहता है, माँ ये रहा वो बाज, बाज बाज मेरी बात तो सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बाज रोहन को देखकर कहता है, लगता है मैजिकल फ्लाइंग रोबोट ने शहर को तहस नहस कर दिया, मुझे तो इसका पहले से ही अंदाजा लग गया था, पर होनी को कौन टाल सकता है। देखो उस रोबोट की एक कमजोरी है, वो बस पानी से ही डरता है, तुम कुछ भी करके उस पर पानी बरसाओ। पर वो कैसे? तुम्हारे पास वो फायर ट्रक है ना, उसी से। अरे पर वो एक खिलौना है। मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति देता हूँ जिससे वो खिलौना बड़ा हो जाएगा और उस रोबोट को हराकर उसे उसके प्लेनेट भी भेज देगा। बाज एक जादुई मनी रोहन को देता है जिसमें उसकी जादुई शक्तियां थी। रोहन और ममता जल्दी से घर आकर फायर ट्रक में वो जादुई मनी रख देते हैं। देखते ही देखते वो फायर ट्रक विशाल बन जाता है। वो फायर ट्रक उस रोबोट के पास आकर उस पर पानी बरसाने लगता है। पानी की वजह से वो अपनी कोई भी जादुई शक्ति नहीं आजमा पाता और वो कमजोर होने लगता है। तब फायर ट्रक एक रोबोट में बदलकर उस रोबोट को मार मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर फायर ट्रक वापस एक खिलौना बन जाता है। इस तरह किसी को कुछ पता नहीं चलता कि फायर ट्रक कहाँ से आया और कहाँ चला गया, लेकिन मैजिकल फ्लाइंग रोबोट के टुकड़े देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। आरसी मोटरबाइक चोर वर्सेस जेसीबी रोबोट। कई दिनों से शहर में बड़े बड़े हस्तियों की मूर्तियां गायब होने लगी। अब वो मूर्तियां कभी दुकानों से गायब होती तो कभी किसी जगह से। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन मूर्तियों में ऐसा क्या था जो चोर उन्हें चुरा रहा था। लेकिन धीरे धीरे ऐसी चोरियां अब बढ़ने लगी जिससे सारे शहर वासी गुस्से में आ गए और उस चोर को पकड़ने के लिए पुलिस भी उनके पीछे पड़ गए। पुलिस ने भी हर जगह सीसीटीवी फिट करा दिए और कुछ पुलिसकर्मी भी तैनात करा दिए गए। लेकिन चोर थे जो उन पुलिस वालों के नाक के नीचे से उन मूर्तियों को उठाकर ले जा रहे थे। ऐसे में पुलिस कहती है, अब तो हद हो गई, हम लोगों के नाक के नीचे से यह सब हो रहा है फिर भी हम उसे पकड़ नहीं पा रहे। सर वो आंधी की तरह आता है, तूफान की तरह जाता है, समझ में ही नहीं आता कि कब चोरी हो जाती है। बड़ी ही तेज और शातिर चोर है वो, और उससे भी तेज उसकी गाड़ी है, हमें उसके गाड़ी से टक्कर देने वाला कोई तो चाहिए। कांस्टेबल की बातों में दम था इसलिए तुरंत तेज और फुर्तीले जेसीबी रोबोट को मदद के लिए बुलाया गया। अब शहर की गिनी चुनी बड़ी मूर्तियां ही बची थी और जेसीबी रोबोट उन्हीं के चक्कर लगा रहा था। उसे पता था कहीं ना कहीं तो उसका पाला चोर से पड़ने ही वाला था। आखिरकार जेसीबी रोबोट और उस चोर का पाला पड़ ही गया। वो चोर एक रिमोट कंट्रोल मोटरबाइक की मदद से सारी चोरियां करता था।
शहर की सबसे बड़ी मूर्ति के सामने वो दोनों आपस में टकरा गए। चोर कहने लगा, ये रोबोट बीच में कहां से आ गया? मैं अपने प्लान के एकदम नजदीक हूँ, यहां तक आकर हार नहीं मान सकता। मुझे इस रोबोट को चकमा देना ही पड़ेगा, वो चीज मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। आखिरकार चोर जाल में फंस ही गया। आज पहली बार इसे हम अच्छे से देख रहे हैं। अब ये जेसीबी रोबोट के सामने नहीं टिक पाएगा। दोनों ओर से उम्मीद की किरण जाग उठी थी। अब देखना यह था हार किसकी होती है और जीत किसकी। आरसी मोटरबाइक की स्पीड एकदम तेज हो गई। उस पर बैठा चोर मूर्ति उठाने ही वाला था कि जेसीबी रोबोट ने बड़े ही आसानी से उसे रोक दिया। उसके इस हमले से चोर बाइक के नीचे गिर पड़ा, पर बाइक फिर भी सही सलामत चल रही थी। अब वो चोर एक जगह छुपकर रिमोट से उस बाइक को कंट्रोल करने लगा। वो अपनी जान की जोखिम नहीं लेना चाहता था। पहले इस जेसीबी रोबोट से निपटता हूँ, मूर्ति को बाद में चुरा लूंगा। आरसी मोटर बाइक और जेसीबी रोबोट में आमना सामना शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे पर बड़े ही तेज हमले करने लगे, लेकिन आखिरकार जेसीबी रोबोट के ताकत के सामने आरसी मोटरबाइक चूर चूर हो गई। उसकी हालत देखने लायक भी नहीं थी। अपने बाइक की हालत देख चोर वहां से भाग खड़ा हुआ कि तभी पीछे से आती पुलिस ने उसे धर दबोचा। अरे अरे, ऐसे कैसे भागोगे? जरा हमें भी तो खातिरदारी का मौका दो और ये बताओ कि इन बेजान मूर्तियों से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? जल्दी से बोलो, वरना तुम्हें भी जेसीबी रोबोट के हवाले कर दूंगा। फिर जो हालत तुम्हारे बाइक की हुई है, वही तुम्हारी भी होगी। बताता हूँ साहब, खबर मिली थी कि कुछ स्मगलिंग किए हुए हीरे इस शहर की एक मूर्ति में छुपाए गए हैं। मैं बस उन हीरो के पीछे था, बाकी इन मूर्तियों से मेरा कोई लेना देना नहीं। अब बस ये दो तीन ही मूर्तियां बची थी, हीरे मेरे हाथ लगने ही वाले थे कि इस रोबोट ने आकर मेरा काम बिगाड़ दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब तुम जेल में जाकर आराम करो। हीरे किस मूर्ति में थे ये हम तुम्हें बाद में बता देंगे। चोर ने बताई हुई बातों को सुनकर पुलिस ने बाकी मूर्तियों में हीरो की तलाश की और आखिरकार उन्हें हीरे मिल ही गए। जेसीबी रोबोट की मदद से उस आरसी मोटर बाइक को आसानी से मात दी गई और चोर को भी सजा मिल गई।